लखनऊ से है। जॉइंट औजा नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन सुशील कुमार मिश्रा राजौल ने बसपा प्रत्याशी एमा सेख को समर्थन दिया है। वहीं 2017 नगर निकाय चुनाव इंटौजा के उपविजेता मोहम्मद लईक की पत्नी हेमा शेख इंटौजा नगर पंचायत से इस बार बसपा की महिला उम्मीदवार है। वहीं वर्तमान चेयरमैन के समर्थन से इंटौजा नगर निकाय चुनाव में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। रोजगार नहीं है महिलाओं के लिए, सबसे जरूरी ये है, महिलाओं के लिए कुछ करना है हमको। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा आप यहाँ से अगर देखा जाए तो बनके आया है एक जल भराव का जी, वार्ड नंबर एक में जो है पड़ता है। तमाम जो है लगभग सालों 20 साल हो गया, अभी तक इसका जो है कोई मुद्दा खुलकर के सामने नहीं निकल रहा है कि इसको कैसे साफ किया जाए, पानी जल भराव। हाँ, तो उसके लिए करना है, जब हम वहाँ पे आएंगे तभी समझेंगे समस्या क्या है, तो उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। अच्छा, ऐसे में जो है लगातार वार्डों में आपका जो है निरीक्षण भी हो रहा जी, है जी। बहुत सारे मुद्दे निकल करके आए जी, आपको क्यों आपको सड़क है, पानी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेरोजगारी है। युवाओं के लिए कुछ करना है और बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई बहुत महंगी है प्राइवेट में, तो इसलिए बच्चों के लिए पढ़ाई का एक काम करना है हमको। अच्छा, बहुत से दावेदार और भी हैं जी, क्या कुछ अलग आप करना चाहते हैं? जी, हम सबसे यही ज़रूरी काम करना चाहेंगे, बच्चों की पढ़ाई का और रोज़गार का। जो बेरोजगार हैं युवा, उन लोग के लिए कुछ करना है हमको। ये इनके मुद्दे जो है क्षेत्र में तमाम तरह की जल भराव की समस्या और जनता को रोजगार ना मिलने को लेकर के बताया जा रहा है। आपकी 5 वर्षों की जो है सरकार में क्या ये जो है मुद्दे नहीं निकल के आए? नहीं, मुद्दे निकल के आए, लेकिन हम चूंकि हमेशा विरोधी पार्टी की सरकार में रहे, हम कभी भी हमारी कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं, हम बराबर विरोध की सरकार में झेलते रहे। किसी तरह से हमने अपना कार्यकाल पूरा किया। अच्छा, विकास के बीच में जो है सरकारों की क्या अटकने आ रही थी? मेन हमारे यहाँ 3 साल से आप समझिए कि साक्षी अधिकारी नहीं जी, इससे बड़ी अड़चन हिंदुस्तान के कानून में आज तक तो कहीं देखी नहीं गई। तो चेयरमैन साहब, एक मुद्दा आपके वहाँ जो जल भराव से वार्ड नंबर एक का जो है हमेशा चर्चा में बना रहा, और जिसके लिए शायद सब चीजें खत्म हो गई हैं, जल भराव की समस्या, और शुरू की जल भराव का एक कारण सबसे बड़ा है कि लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि पानी का रास्ता कहीं है नहीं। इटौंजा का पानी कहीं भी बाहर एक बूंद नहीं जा सकता, क्योंकि चारों तरफ लोगों ने अपने मकान खरीदे। अच्छा, एमा सेख को आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? हम इनको हर तरह से, जैसे भी होगा, पूरा इनको हमारा सहयोग है, सपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव व जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे के संयुक्त नेतृत्व में फतेहपुर पहुंची है। वहीं पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व जिले के संगठन प्रभारी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवाकांत तिवारी के साथ लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वहीं यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया है। शहर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संगठन प्रभारी शिवाकांत तिवारी ने कहा है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर लोगों को जोड़ रहे हैं, और केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों में जो नफरत का बीज बो रही है, हम लोग इस यात्रा के दौरान देश के आम जनमानस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो बुंदेलखंड में आदरणीय अनिल यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, जब से हिंदुस्तान में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन से लाखों लोग अपने आप छोड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया। ये यात्रा एक मामूली यात्रा नहीं है, ये एक इतिहास, आने वाले इतिहास में यात्रा दर्ज होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस समय देश को गांधी की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में नफरत का माहौल है, अल्पसंख्यक समाज के लोग एक दहशत गर्दी की जिंदगी जी रहे हैं, अन्य दल के लोग को गुंडागर्दी के दम पर, ईडी सीबीआई के दम पर उनको दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की सरेआम हत्याएं हो रही हैं, तो हत्या इसको हमको भाईचारा में तब्दील करके एक ऐतिहासिक यात्रा का हम लोगों ने आगाज किया है। ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, यात्रा झुकने वाली नहीं है। हम डरेंगे तो झुकेंगे, लड़ेंगे तो भरेंगे। मेरा नाम शिवाकांत तिवारी है, हमारे साथ यात्रा कहाँ कहाँ पर जिले में ये यात्रा यहाँ से फतेहपुर से, ये ज्वालागंज से पटेल नगर, पटेल नगर से आप ये पतरगटा होते हुए मालती ढाबा से होते हुए बबुआ बबुआ होते हुए बांधा जाएगी।
अच्छा ही इस यात्रा। आज महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, शाहरुख खान की पिक्चर पर चर्चा हो रही, पत्रकार बंधु आप लोग सोशल मीडिया में शाहरुख खान की पिक्चर की चर्चा हो रही है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार खत्म है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं को दलितों को ऊपर अत्याचार हो रहा, उसकी नहीं हो रही है। चर्चा मेल मुद्दे पे होनी चाहिए। जनता को मैं किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रही है। देखिए यात्रा हम लोगों का एक ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक यात्रा है, एक भाईचारे को बढ़ावा देने की यात्रा। आइए हमारे साथ जुड़िए इस यात्रा में, ये गांधी की यात्रा है। सब लोग मिलकर जुड़िए, हर जात धर्म मजहब को सबको समान अधिकार हिंदुस्तान में रहने का है। हमारा एक संदेश है कि हम लोग भाईचारे को कायम करेंगे, सद्भावना प्रेम आपसी भाईचारा को फिर एक मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बांदा के बैबेरू तहसील स्थित मदरसे में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं ने अपने हुनर दिखाए हैं। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए नमूनों को मदरसा के प्रबंधक प्रधानाचार्य व शिक्षक शिक्षिकाओं ने अवलोकन किया है, साथ ही छात्र छात्राओं को खूब सराहा भी गया है। वहीं आयोजित गोष्ठी में छात्र छात्राओं को अल्पसंख्यकों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। खबर बांदा से है, जहां दो वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। इस दौरान हादसे में लगभग चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पूरा मामला गिरवा थाना क्षेत्र के खुरहंड गांव का बताया जा रहा है। आप लोग कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे? बांदा से आ रहे थे, जा रहे थे अतर्रा जा रहे थे। तो कैसे क्या हुआ? जो है कुछ नहीं, अचानक आ गया कोई। कहां से आ? जानवर आ गया। तो ये दोनों गाड़ियां आमने सामने कैसे भिड़ गई? अचानक आ गया, वायलेंस करने के चक्कर में आ गया। खबर मैनपुरी से है, जहां सरकार जनता के स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के अंदर ना ही डॉक्टर मौजूद हैं और ना ही फार्मासिस्ट। वहीं सीएचसी बेवर पर औषधि वितरण कक्ष में भी कुर्सियाँ खाली पड़ी नजर आ रही हैं। खबर जालौन से है, जहां सर्दियां शुरू होते ही गरीबों की सुध लेने प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। वहीं उपजिलाधिकारी सना अख्तर के निर्देश पर तहसीलदार बलराम गुप्ता ने अपने अधीनस्थों के साथ गरीबों की झोपड़ी में पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना है। साथ ही साथ गरीबों को कंबल भी वितरित किए गए हैं। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों का कारवा रैन बसेरी की जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचा। खबर चित्रकूट से है, जहां कलश यात्रा निकाली गई है, साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है। वहीं इसी दौरान वहां पर काफी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। खबर चित्रकूट से है, जहां धर्मनगरी में आगामी 18 दिसंबर को श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान परायण तथा ज्ञान यज्ञ शुरू होना है। इसी उपलब्ध में आचार्य नवलेश दीक्षित महाराज के द्वारा श्रीजी भवन सीतापुर में प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया गया है कि दिनांक 18 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो परिक्रमा मार्ग बहरा के हनुमान जी होते हुए संपूर्ण परिक्रमा करेगी। उसके बाद भागवत कथा पीठ समर्थ सेवा संस्थान खोही में उसका समापन किया जाएगा। साथ ही लगातार 7 दिनों तक कथा का कार्यक्रम जारी रहेगा। का आयोजन श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत महापुराण यज्ञ का नाम दिया गया है, यानी 108 भागवत के मूल पाठ होंगे और 1 से 4 बजे तक हमारा प्रवचन होगा और ये आस्था भजन चैनल में इसका लाइव प्रसारण होगा। और इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा चित्रकूट का जो भूगोल है उसको जितना अधिक से अधिक सुंदर बना सके, और उस भूगोल में बहुत सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है, मंदाकिनी जुड़ी हुई है, गौ माताएँ जुड़ी हुई हैं, सबको हमको सुरक्षित रखना है और एक समाज को एक अच्छा संदेश देना है।
और श्रीमद् भागवत अष्टोत्तर शत का ये तीसरा अनुष्ठान चित्रकूट में हो रहा है और इसमें 108 ब्राह्मण बाहर से आ चुके हैं और विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से सभी भक्त लोग भी पहुंच चुके हैं। और कल हम लोग बराह के हनुमान जी से सुबह 9 बजे शोभा यात्रा शुरू करेंगे और पूरी प्रदक्षिणा करके फिर जल निवास में उसका विश्राम होगा और 19 तारीख को सुबह 7 बजे से यहाँ भागवत जी का मूल पाठ शुरू हो जाएगा और 1 बजे से 4 बजे तक भागवत जी की कथा का दर्शन होगा। और इस आयोजन में दूर दूर से संत लोग भी पधार रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं, बीच बीच में उन सभी संतों का दर्शन होगा और हमारा पूरा चित्रकूट धाम और हमारे चित्रकूट के सभी प्रेमी हमारे सभी शिष्य इसमें खूब सहयोग कर रहे हैं, यही इस कथा का उद्देश्य। किस तरीके से जागरूक किया जाएगा? बहराइच के मदरसा दारुल फिक्र में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी संजय मिश्र के साथ साथ सदर विधायक अनुपमा जायसवाल व सांसद अक्षय बार लाल गौड़ मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। सांसद जी थे, डीएम साहब आए थे, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सांसद जी, सदर विधायिका जी और जिलाधिकारी महोदय उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से संपन्न हुआ है। जैसा कि विधायिका जी ने भी और सांसद जी ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार और उनके भविष्य को लेकर के यह सरकार पूरी तरह से चिंतनशील है और कैसे वो आगे बढ़ें, मुख्यधारा से जुड़ें और समाज के विकास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बन सके, ये इसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैसा कि अभी आपने बताया था कि सर्वे के दौरान ये पता चला कि मदरसे और अधिकारियों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। जी हाँ, जो हमने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया, आप लोग भी अवगत हैं कि ये पहली बार प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई सर्वे आयोजित कराया और जब हम लोग गए सर्वे करने तो हमने ये पाया कि गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं वो एक हिचक है उनके बीच में, उनको शासन की जानकारी नहीं है, तो शासनादेशों की जानकारी नहीं, नियमों कानूनों की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने मान्यता नहीं लिया, वरना वो लोग मान्यता ले लेते, वो खुद इच्छुक है मान्यता लेने के लिए। तो सरकार की इस पहल की वजह से शासन प्रशासन और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनके बीच की जो संवादहीनता थी वो खत्म हो गई है, एक बेहतर संवाद कायम हुआ है और शीघ्र ही वो रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। आज इस दिवस के रूप में क्या आवाम को क्या संदेश दिया गया है? आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के माध्यम से अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, और जैसा कि हमारे विधायिका जी ने भी कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो अधिकारों की प्राप्ति हमें कैसे होगी इस पर विस्तृत चर्चा हुई। क्या योजनाएं चल रही हैं अल्पसंख्यकों के लिए, जो छात्रवृत्ति की योजनाएं चल रही हैं, टर्म लोन योजना चल रही है उनके लिए, जो और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की योजना चल रही है, इन सारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई और इस विषय पर चर्चा हुई कि कैसे अल्पसंख्यक और अधिक सशक्त और अधिक समाज की धारा में जुड़ पाएंगे।